अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप शो को पसंद कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं, अपने कमेंट्स और फीडबैक इस तरह जारी रखिएगा। और आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि अली भाई को लेकर आओ, और अली भाई की रिक्वेस्ट थी कि लाइफ आओ, तो मैंने आधी आपकी मान ली, आधी इसकी मान ली, आपकी कोई बात नहीं कटेगी। हाँ, मैं तो लाइव आदमी हूँ और डेड मुझे बिल्कुल चीज़ें पसंद ही नहीं है, इसलिए लाइव और अलाइव हो, इसलिए मैंने कहा लाइव ही करता है। हाँ, मैंने लाइव भी आएंगे, लेकिन ये भी ऐसी लाइफ है, इसमें कोई बात नहीं कटेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आपका दिल करे, इधर भी T20, इधर भी T20, इंडिया से शुरू करता है। इंडिया से बहुत जबरदस्त खेला इंडिया, और लेकिन अफगानिस्तान को साथ साथ क्रेडिट देना होगा, लेकिन होश में है। हाँ बिल्कुल, नहीं होश में, देखिए सीट चेंज हो गई। नहीं देखिए, हमारे जो दर्शक सईद आजाद ने भी वो ले लिया, यूटर्न तो नहीं कहूँगा, लेकिन हो गए, ये भी हो गए भाई। मैंने उस दिन ही आपसे कहा था अननेसेसरी तारीफ मैं कभी भी नहीं करूँगा, जो तारीफ जायज़ है, जो जिसकी जस्टिफिकेशन बनती है वो मैं तारीफ करूँगा। रोहित शर्मा जो दो मैच में परफॉर्म नहीं कर सके थे, बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे प्लेयर के लिए जो अंडर प्रेशर हो वो आए परफॉर्म करे, टीम में उसकी जगह खतरे में पड़ रही हो। रोहित शर्मा ने तो फिर अपनी क्लास को जो है वो साबित कर दिया, अपने आप को प्रूव कर दिया इंडिया की टीम को। अभी भी रोहित शर्मा की, विराट कोहली जैसे प्लेयर की जरूरत है, परफॉर्मेंस उनकी बोल रही है। अननेसेसरी तारीफ नहीं करूँगा मैं, अगर रोहित शर्मा जीरो पे आउट होता और मैं कहता जी वो बॉल अच्छी पड़ गई थी, यूँ हो गया था, वो हो गया था, ये तो कोई भी नहीं कह रहा बॉल अच्छी। सर आप फिर यहाँ पर पाकिस्तान में यूट्यूब आप देखते नहीं है कि अननेसेसरी तारीफ करते हैं? जो इंडियन हमारे दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। सही सही सही, वो चीज़ से मुझे हमेशा इख्तराफ है, इस चीज़ से इख्तराफ नहीं। अच्छा खेले, जब सूरज रोशनी देता है तो दुनिया से तारीफ कर। सही सही। अच्छा अभी सईद भाई से लास्ट शो में बात हुई थी तो वो कह रहे थे विराट और रोहित के पास कर लेना। नहीं नहीं आई क्या पास आई, विराट और रोहित को इसी वजह से टीम में लाए, उनको अफगानिस्तान से शिकस्त का डर था। नहीं ऐसे कोई जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वो प्लेयर तो अच्छे हैं ना, अभी भाई भी कह रहे थे अभी मुंह तक आ रहे हैं उनके। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान T20 बड़ी खतरनाक टीम है, और जितने फॉर्मेट छोटा होता जाता है जो छोटी टीमें होती हैं, जो अफगानिस्तान अपनी नहीं है छोटी टीम, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू इंडिया अफगानिस्तान को हम इतना रेट नहीं कर सकते इतना इंडियन टीम को रेट कर सकते, लेकिन छोटे फॉर्मेट में जो अफगानिस्तान एक बड़ी मजबूत टीम है, उनके प्लेयर जो है वो दुनिया भर की लीग स्केल के होते हैं, तो इंडिया को वो दे सकते हैं। फिर मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि इंडिया की टीम एक बेस्ट टीम है, और रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली है क्लास की इनिंग खेली है, आज के इनिंग में उन्होंने अपना टिकट पक्का करवा दिया। एग्जैक्टली कप्तान है सर, टिकट भी पक्का करा लिया है, और मुंबई इंडियन को भी बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दे दिया, जवाब दिया मुझे, चमाट मार दिया। चमाट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ा अच्छा मैसेज दे दिया है कि जनाब उनमें T20 क्रिकेट बाकी है, अननेसेसरी वो कप्तानी हटाया गया है। मैं समझता हूँ रोहित शर्मा के साथ वैसे ही करना चाहिए था मुंबई इंडियन को, जो क्वेटा ग्लैडिएटर सरफराज के साथ कर रहा है कि जब तक सरफराज है जब तक कप्तान है, तो रोहित शर्मा जैसा कैप्टन जिन्होंने इतने टाइटल जिताए, जाया कर दिया रोहित शर्मा। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ कि जितने टाइटल रोहित शर्मा ने जितवाए उसकी कदर करनी चाहिए थी मुंबई इंडियन को, तो मुंबई इंडियन थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, और ये इस दफा आईपीएल है ना जी, ये बहुत बड़ा मैसेज देके जाएगी मुंबई इंडियन को, मुंबई इंडियंस को। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवरऑल मैच के हवाले से कहेंगे, 5 ओवर 22 रन, 4 ओवर 11 ओवर में 65 रन, फिर एकदम ही चेंज हो गया मैच। यही तो टीम इंडिया है, यही तो रोहित शर्मा है, इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को विराट कोहली बल्ले पे डिवाइस लगा दी, वो लगा दिए। हाँ ये तो हसन रजा आपको बताएंगे, लेकिन देखिए फिर मैं कहूँगा कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेसेसरी तारीफ जो है वो बनती नहीं है। अब हमारे जो इंडिया के व्यूअर्स हैं, जो रात्रि में दर्शक हैं, उनके बाद समझनी चाहिए कि जहाँ जायज तारीफ है वो करनी चाहिए, ना जायज टीम। अच्छा इन दोनों के आने से टीम डिस्टर्ब हो गई है, भारतीय टीम किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया? सर जो लोग एजेंडे पे काम करते हैं ना, अच्छा वो ये बात कर सकते हैं, जो लोग क्रिकेट की बात करते हैं या जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते हैं, आज के मैच को देख के कौन कहेगा कि टीम डिस्टर्ब हुई है, बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है? अगर रोहित शर्मा नहीं होता तो रिंकू सिंह को अपने साथ खिलाता वो? नहीं करता, मैं तो सर को लेके आता। बिल्कुल डेफिनेटली ना, अगर कोई यंगस्टर होता है वो 22 पे 4 थे, 22 पे 5 हो जाते, 30 पे 6 हो जाते, लेकिन रोहित शर्मा अपनी क्लास शो की ना, एक्सपीरियंस डज मैटर, और वो रोहित शर्मा ने साबित किया। सही सही सही। विराट के हवाले से कहेंगे फॉर्म तो नहीं चली, लेकिन जो फील्डिंग करी वो तो आला ही है। देखिए विराट एक ऐसा प्लेयर है कि जिसके तारीफ करना जो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है, और विराट जब भी फॉर्म में आएंगे तो अकेला तहस नहस कर देंगे पूरा वर्ल्ड कप आपने देखा इस तरह से विराट कोहली खेले। तो देखिए किसी भी प्लेयर के लिए फॉर्म जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, और डेफिनेटली जब विराट की फॉर्म आएगी तो दुनिया देखेगी। अच्छा अभी भी आपने देखेगा ये रोहित तो मुंबई का मसला क्या है, हिस्ट्री क्या है फुटबॉल का? देखिए कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी आपने जिक्र भी करा था कोई तेंदुलकर को भी मिला देते आप? सर मैं ये बात कर रहा था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्लब्स वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर वो शुभमन गिल को जो है वो बातें सुना रहे हैं, या रन आउट होने के ऊपर वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। क्रिकेट में होता है तो सीनियर प्लेयर होता है तो जूनियर प्लेयर के साथ रन आउट हो जाता है, तो इस किस्म की बातें करता है, लेकिन रोहित शर्मा के मामले में अननेसेसरी इससे ज़्यादा शायद उसको ज़्यादा उसको लाइव लाइट में लाया जा रहा है कि शुभमन गिल का जो कनेक्शन है वो है सचिन तेंदुलकर की फैमिली के साथ है, और सचिन तेंदुलकर आपको पता है भगवान का रूप रखते हैं इंडियंस के लिए भी और खास तौर से मुंबई वालों के लिए, तो मुझे लगता है उस स्क्रिप्ट को ना बस बढ़ावा दिया जा रहा है विराट और शुभमन गिल की इस वीडियो क्लिप को डाल के।
मुंबई इंडियंस ने फैसला किया है कि जनाब हार्दिक पांडे को एज ए कैप्टन लेकर आएंगे, ये फैसला मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि रोहित की बड़ी परफॉर्मेंसेज है और एक बड़ा अच्छा फिगर है वो जो मुंबई इंडियंस को बड़ा अच्छा सर्व कर सकते हैं। हमने भी क्रिकेट बाकी है आज के मैच के बाद और देख लिया मुंबई इंडियंस ने कि किस तरह से रोहित शर्मा किस अंदाज में प्लेयर है, मैं समझता हूँ गलत फैसला करेगा मुंबई इंडियंस। अच्छा अब अफगानिस्तान के बाद इनका इम्तिहान है इंग्लैंड से, वो तो सबसे पहले जो अपना कुक लेकर आ रहे हैं उसके वजह से आप भाई कुक क्या ला रहे हैं, मैंने पहले भी एक शो में कहा था कि पहले वो लेकर आते थे एलिस्टर कुक को, अपना कुक ले आए, इससे पहले जॉर्ज बटलर को भी लेकर आए थे, तो कुक हैं बटलर हैं सारे शेयर हैं सब लेकर आ रहे हैं। सही क्या गलत, अच्छा क्या गलत कर रहा है मुझे बताए ना, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी के खाने खा सकते हैं वो कह रहे हैं आई पी एल में भी लेकर आओ, तो आई पी एल में इंडिविजुअल आते हैं ना बॉस, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं नहीं लेके जा सकता, लेकिन हम 10 लोगों की टीम जा रही है क्या हम जब जाते हैं ज्यारतों पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं या पिकनिक पे जाते हैं कुक लेके नहीं जाते अपने साथ, जाते हैं ना तो ये भी पिकनिक ही है ना, बच्चा टिक भी तो पिकनिक बना के लिया। हाँ ये बात सही है ना। हाँ ये सही है। अच्छा जो दो टेस्ट के लिए टीम अनाउंस हुई है उसमें शामी नहीं है, पुजारा नहीं है, ईशान किशन नहीं है, और इंडियन टीम को थोड़ा सा मसला नहीं हुआ, सीनियर खिलाड़ी भी बाहर है, कुछ रवैये की वजह से कुछ फिटनेस की वजह से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ आपको पता है कुछ डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं, कुछ फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं, लेकिन इंडिया की जो बैच स्पेंड है रवैया साहब वो बड़ी ज़बरदस्त है और अपनी बिचिस पे इंडिया वासा हर एक नहीं समझ सकते, और एक अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ कि आप अपने बैच स्टैंड को अपने होम सॉइल पर मौका दे रहे हैं, वरना आप देख रहे हैं साई भाई को लोग कहते हैं पर्थ में खिला दो, साई भाई को हमने ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, इन लोगों ने तरक्की शुरू कर दी है, बी सी सी आई का अच्छा डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। अच्छा बी सी सी आई एक और डिसीजन लेने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान भी और सेलेक्टर भी नया ला रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना रोहित शर्मा को खो के बहुत पछताए नहीं। हाँ सही सही है। अच्छा भारतीय टीम की तो बहुत बात कर ली, अब थोड़ी अपनी टीम की बात कर लें, दिल के अपना आंसू में बह गए, शाहिन शाह तो नाकाम हो गए बतौर कप्तान, बाकी में लाहौर तिलक और इंटरनेशनल कप्तान में बहुत फर्क है। देखिए अभी सिर्फ 3 मैच हुए हैं, 3 मैच हुए इसका इंतजार है, 3 मैच हुए ना अभी, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट इसमें कप्तानी सीखने में टाइम लगता है, सीखने में 2 टाइटल जितवा दिए तो सीखे सर, आपने तो खुद तो कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और फ्रेंचाइज क्रिकेट में बड़ा आपके भाई की बात दोहरा रहा हूं सर। देखें रोहित शर्मा इंडिया का प्रूवन कैप्टन है, मुंबई इंडिया को पसंद है उसने साइड में कर दिया ना, इसी तरह वो मुंबई इंडिया का कैप्टन है, लाहौर का लेदर कैप्टन है, शाहिद शाह भी वो पाकिस्तानी टीम की भी कप्तानी कर रहा है, सीखिए दूसरे बाबर आजम को आप इतने मौके दे दिए। देखिए हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी ने चीज़ें वेरी कर दी है, आप आसिफ अली को इतने मैच 50 से ज़्यादा मैच खिला देते हैं, आसिफ के 3 मैच के ऊपर बातचीत शुरू कर देते हैं, आप जो बुजदिल को इतने मैचेस खिला देते हैं, आप साहिब अयूब के ऊपर बात शुरू कर देते हैं, तो किसी को हम ज़्यादा मौके देते हैं किसी को कम देते हैं, तो शाहिद शाह ने भी 3 मैचेस तो खेले, और आपको क्या लगता है कि ये जो रिजल्ट है आपको उम्मीद थी ये रिजल्ट आएंगे, किसको उम्मीद थी कि जाके पैसा T20 सीरीज जीत जाएगा, न्यूजीलैंड को एक रात तो जीत जाता है, सारे 2 मैच और है ना अभी, देखते हैं आगे क्या होता है। रिजल्ट हार जीत तो होती है लेकिन एक कप्तान के डिसीजन भी होते हैं, प्ले लेवल भी होती है, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी होती है, आपको लगता है हफीज़ पोते पर अपनी कप्तानी दिखाने का मौका मिल रहा है, उस तरह हफीज़ हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, आपको लग रहा है कि आजादाना फैसले कर रहे होंगे, मुझे जो वहाँ पे खिलाड़ियों ने बताया वो कह रहे थे हफीज़ से तो हर चीज़ छोड़ी हुई खिलाड़ी, सब खिलाड़ी बोलेंगे कभी के हैं प्रोफेसर साहब अपनी प्रोफेसर दिखा रहे हैं बोलेंगे जैसे आपको बोला खिलाड़ी ने सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना वो, अब आप देख रहे हैं बैटिंग कोच कहीं नजर नहीं आ रहा, बैटिंग कोच आईडिया मोहल्ला पता नहीं किधर आराम कर रहा है, वो दूसरा जो उमर गुल है बॉलिंग कोच वो पता नहीं नजर नहीं आ रहा, हर चीज़ में ऑफिस नजर आ रहा है। अच्छा पाकिस्तान की फिर फास्ट बॉलिंग को क्या किसकी नज़र लग गई है कि नसीम शाह नहीं है तो बस पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग, देखिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं आप ही सब आपको पता है कि बिग बैश भी खेल रहे थे, और फिर हमारा जो अपना जमान है उनको फिर मौका नहीं मिला, बास अफ्दी को मौका मिला, एहसान उल्ला अनफिट हो गए, नसीम शाह अनफिट हो गए, ईशान अजमल दिल्ली टीम के साथ चले थे वो नहीं है, हस्तैन जो थे वो नहीं है, एक दो बॉलर के ऊपर हमारी टीम खेल रही है सही, पर थोड़ा टाइम लगेगा सही। अच्छा आदि सरूफ तो इतनी तनकीद कर रहे थे तो कह रहे थे हो गए थे, कह रहे थे मैं रिटायर हो जाता हूँ क्रिकेट भी छोड़ता हूँ, उसको बिला हुई तनकीद अली मोहम्मद रिटायर हो गए बस क्रिकेट खत्म हो गई, नहीं आता रिटायर हो गए क्रिकेट खत्म हो गई, तनकीद हो गई सही तनकीद हो रही थी ना, आपने बहुत कर दी ना इनकी वजह से तो दूसरे क्रिकेटरों को सर सही तनकीद हो रही थी ना कि अगर देखें अगर मुल्क को आपकी ज़रूरत है आपके देश को आपकी ज़रूरत है तो अगर आप लंगड़े भी होंगे अगर आपसे चला भी नहीं जा रहा हो इंडिया पाएंगे ना आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है तो ये क्यों नहीं खेल सकते थे टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान का जगह सा ही ना वहाँ पे जाकर ऑस्ट्रेलिया में इन इनकी मौजूदगी से हो सकता है पाकिस्तान का झंडा जो परचम जो इसका ऊँचा हो जाता है, हाँ कुछ भी आता लेकिन इम्पैक्ट तो डाल देना नाम साइन आजम इफ्तिखार फिर नाकाम, देखिए इफ्तिखार की नाकामी समझ में नहीं आ रही, इफ्तिखार हम मुझे उस लीग में नजर नहीं आ रहे जिस लीग की वो प्लेयर है, और साइन तो भी थोड़े नए हैं और आजम को भी मतलब थोड़े चांस अभी देने चाहिए, अभी देने चाहिए आजम को इस तरह आजम ने परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं अभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, आसिफ अली की मिसाल सामने इस तरह पहले का उस दिन की मिसाल सामने कितने कई बच्चों की मिसाल सामने मुसलसल आप खिला रहे हैं सही, आजम को भी थोड़ा बहुत चांस है, बाबर आजम मैच में हाफ सेंचुरी
मगर टीम हाँ देखें आप ही किस शो में बैठ के मैंने कहा था बाबर अली टी ट्वेंटी में चला रहे बड़ी गालियाँ पड़ी थी मैं आपको दिखाता स्नैपशॉट नहीं पढ़ते क्या और पढ़ता है मेरे अपने अल्फाज हैं बाबर आजम टी ट्वेंटी में जगह नहीं है लेकिन जिस अंदाज से अब बाबर आजम खेल रहे हैं अगर इस अंदाज से पहले खेल रहे थे तो पहले तक क्या जा रहा था अभी भी खेल सकते थे ना नहीं खेल रहे थे क्यों नहीं खेल रहे थे ये सवाल बनता है ना मैं यही तो कह रहा हूँ ये सवाल बनता है ना सेल्फिश अप्रोच के साथ खेल रहे थे अब सेल्फिश अप्रोच उनकी है नहीं अब सेल्फिश अप्रोच दूसरे तरीके की है कि उनको दिखाना है करके अच्छा यार मैं डी ट्वेंटी क्रिकेट खेल सकता हूँ पहले सेल्फिश अप्रोच ये थी कि जी मैं बल्ला नहीं उठाऊंगा बाकी दस प्लेयर आके जो मारा मूरी करे सही है सुनने ना सर नहीं नहीं सुनने की बात नहीं है रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्म करा तो वो अच्छा खिलाड़ी था टीम में वापसी आ गया बाबर ने करा तो वो सेल्फिश इनिंग के रोहित शर्मा मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहा है रोहित शर्मा की बीच में एक आती नहीं ऐसी आती है रोहित शर्मा अगर नहीं भी करता उसका इंटेंट नजर आता है कि रन कर देगा बाबर का तो जो पावर प्ले के ओवर जाया कर देता था और पावर प्ले को मिस कर देता था स्लॉगिंग नहीं करता था फखर जमान का नंबर नीचे कर दिया पी एस एल में सादत अफरान का नंबर नीचे कर दिया शर्जील का नंबर नीचे कर दिया ये सब सेल्फिश अप्रोच नहीं है अब दूसरी तरीके से सेल्फिश अप्रोच है जी मुझे परफॉर्म करके दिखाना है लेकिन वो पाकिस्तान काम आ रही है वो अप्रोच है पाकिस्तान काम आ रही है इनमें तो काम नहीं है सर अगर बाकी लोग साथ नहीं देते बाबर क्या करें बाकी लोग भी तो साथ देना बाकी दोस्तों तो खेलना है जो जो पिछले दो तीन मैच गए लोग तो वन हैंड ही जितवा रहे फखर फखर ने साथ दिया ना फखर आउट हुआ पाकिस्तान का मैच वहाँ से खराब हुआ अगर फखर थोड़ी देर खड़ा रहता पाकिस्तान मैच ठीक चल रहा क्रीज पे उस वक्त तक थे ना जब तक इनकी हाफ साइड दोनों एंड से क्रिकेट होगी ना ये कैच होगी आप बाबर आजम अकेले गए बाकी लोगों ने क्या कर रहे हैं रिजवान क्या कर रहे हैं आप अब सीरीज हाथ से खेल गई क्या दो टी ट्वेंटी मैच को रहते हैं बाबर को मैं समझता हूँ रेस्ट दे देना चाहिए इसलिए कि सीरीज को आप हार रहे हैं ठीक है ना अब आपको साथ साथ फरहान को हसीब को भी जो है वो आजमा देना सही से अच्छा हफीज पे आपने बात करी थी अधूरी रही प्रोफेसर है वो ऐसे प्रोफेसर है हर क्लास में हर सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कीपिंग भी वो सिखा रहे हैं बैटिंग भी वो सिखा रहे हैं बॉलिंग भी वो सिखा रहे हैं जुर्माने भी वो लगा रहे हैं मैनेजर भी हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी हुए हैं कोच भी हुए हैं ट्रेनर भी हुए हैं डॉक्टर भी हुए हैं चेयरमैन भी हुए हैं हर चीज जब हुए अच्छा वहाँ बैठ के रब्ता भी कर रहे हैं यार पीएसएल में किसी चैनल से बात हो किसी चैनल से बात हो जाए और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सटेंड हो जाए लेकिन नहीं हो रहा हो रहा नहीं हो रहा हो रहा अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात करते हैं और इजलास होना था फिर वो कैंसिल हो गया आप कह रहे हैं कि उनको फैसले कर सकते हैं इजाज़त है इजाज़त है लेकिन अब देखिए क्या फैसले कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बातें अच्छी भी की हैं जहाँ इतनी तरकीब करते हैं वहाँ पर कुछ अच्छी बातें के साथ एक मैं बता देता हूँ आपको पता है मैं क्या बात करूँगा जो मीडिया डायरेक्टर है आलिया रशीद उनके मीडिया से बड़े अच्छे ताल्लुक आते हैं बहुत अच्छा काम अच्छा काम करिए प्लेयर्स पर सबसे बड़ी बात है प्लेयर्स को मौके दे रही है मीडिया से प्रेस से बात करेंगे दूसरी चीज़ उन्होंने अच्छी है कि बाबर आजम को तबाही चढ़ा दिया टी ट्वेंटी ये बहुत अच्छी हाँ पीसी है बाबर आजम ने खोला मैंने खुद हटा हूँ सर आप हालात ऐसे पैदा कर दिए ना तो उसका खुद ही फिर छोड़ दिया ये बहुत अच्छी चीज़ की है तीसरी अच्छी चीज़ है टीम में ग्रुपिंग तोड़ने की कोशिश की अच्छी चीज़ की है लेकिन दूसरी तरफ जो तकरूरियाँ कर रहे हैं वो अननेसेसरी तकरूरियाँ कर रहे हैं अपॉइंटमेंट अननेसेसरी कर रहे हैं और उसमें मेरिट नहीं है गुरुबंदी का तोड़ रहे हैं को फिर भाई कप्तान नहीं लेकिन कप्तान तो नहीं बनाया ना अगर कोई और पीसी अगर कोई और होता तो बाबर के अड्डे इस बार कप्तान होता है शादाब होता लेकिन कह रहे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में हो सकता है ज़्यादा चर्चा होगा जब जब रात जब नौ बंदे लोग जब भी रात आए अच्छा उमर अकमल ने कहा है मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में करोड़ों रुपये छोड़ के आया लेकिन मुझे यहाँ क्या मिला उमर अकमल और अहमद शहजादी दोनों यही बातें करते हैं करोड़ों रुपये छोड़ कर आए और मुझे यहाँ क्या मिला क्या मिला सही तो बात है हम लोग भी तो सही तरह क्रिकेट नहीं कर रहे थे सर हम नहीं कर रहे ट्वीट लेकिन देखें ना ब्रेन का काम है फिर वहाँ ब्रेन जब तक क्रिकेट खेल लेना उसका काम है परफॉर्म करना मौका मिलेगा वो अगर खामोशी से खेलना नहीं खेला उसके सरपाज अगर खामोशी से खेलना नहीं खेला उमर अकमल बहुत बड़ा प्लेयर है मैं दिल से उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह उसको मैं एल्डरली एडवाइस दूंगा कि वो एमएस शहजाद ना बने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे और वक्त उसका आएगा हो सकता है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में उमर अकमल नजर आ जाएगा अच्छा क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में जगह तो है ना आप देख रहे हैं कि कनार से परफॉर्म नहीं हो रहा लेकिन पी एस एल में तो वो है नहीं एक प्लेटफॉर्म था अगर आते हो PSL में नहीं हो सकता ये सिर्फ सुपर लीग और एस्पिरेशन टीम पे आते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं फिर PSL में आ जाए तो यहाँ पे लेते हुए निकालते हुए टाइम थोड़ी लगता है ये अहमद शहजाद जो खामोशी से निकल गए सर अहमद शहजाद का जो केस है मैं समझता हूँ मिस हैंडल किया है वापदा की जो उनकी डिपार्टमेंट की टीम है और पिछले के सवाल जरूर ये चीज़ देखनी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट है और डोमेस्टिक इज्जत देनी चाहिए और बीच मैच में नहीं जाना चाहिए था वापदा का मैं समझता हूँ जो मैनेजर है उससे बात जरूर करनी चाहिए और मैच रेफरी चाहिए दो बंदे हैं मैच रेफरी और वापडा का जो मैनेजर है उससे जरूर बात करनी चाहिए और क्या लग रहा है क्या एक्शन होगा देखिए एक्शन ये हो सकता है कि जो एस एन जी पे लोग मैच हार गई थी तो हो सकता है जो पॉइंट्स वगैरह का सिलसिला है वो पॉइंट्स माइनस कर दिए जाए कुछ पाबंद कुछ जुर्माना कर दिया जाए फाइन लगा दिया जाए सही सब होगा क्या होगा सर सही सही सही
पाकिस्तान जीत जाएगा तो आप इरफान पठान वाला उनको पकड़ लगा सर मुझे किसी के हारने से कोई इतनी खुशी नहीं है मैं डांस करूं गेम को मैं गेम की तरह लेता हूं इंडिया अच्छा खेला आपने इंडिया की तारीफ कर दी अब आप जो बार बार बोलते हैं बैठ के तो गाना गा रहे थे दिल के अलमास वो जवाब था वो उसका जवाब था जो इरफान पठान ने किया था वो जवाब था अब मेरे को इंडियन फैन से कोई क्रिकेट की बात होती है कोई दुश्मनी थोड़ी किसी से इंडिया अच्छी क्रिकेट खेलता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जितनी जायज तारीफ उनकी हम तारीफ करते हैं अब जो आप बार बार बात करते हैं कि मैं बुराई नहीं करता हूँ अगर किसी को बुरा लगता है मैं फिर बोलूँगा अच्छा इंडिया पाकिस्तान सीरीज हो रही है लगा शर्म ने जाके मैं लॉलीपॉप छोड़ दिया इंडिया पाकिस्तान सीरीज पहले भारत में इलेक्शन के बाद हो जाएगी सीरीज और पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो वो खुद होंगे अब तो इम्कान लग रहा है इम्कान होंगे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे तो जगह सब होंगे लेकिन पाक भारत सीरीज मुश्किल है बहुत मुश्किल है चले भाई आपके जितने भी सवाल थे कर लिए और नेक्स्ट टाइम अभी भाई को लाइव ही लेकर आएंगे बिल्कुल और मुकुम नकी का चैनल लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और जिस तरह से आप लोग ताबून कर रहे हैं इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं आपने फेसबुक पेज बता दें वो डायरेक्ट ट्रांसफर वहाँ पर कर दें क्योंकि मुझे अगर चार गाड़ियाँ आप दे दें ना तो दो उसमें मिला के ही मुझे दे देते हैं तो छः का सवाल मुझे मिल जाता है चले भाई अपने ख्याल रखिए।